देखिए, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए कहता है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है। देखिए फ्रैक्शन जो भी होती है, मतलब वो किस फॉर्म में होती है, वर्ड की फॉर्म में होती है। तो हम मतलब उसमें ऊपर एक न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो चलिए लेट करते हैं हम एक्स बी द न्यूमिरेटर। एक्स क्या है, न्यूमिरेटर है, एंड वाई बी द डिनोमिनेटर। एक्स अगर न्यूमिरेटर है और वाई अगर डिनोमिनेटर है, देन जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, देन द फ्रैक्शन विल बी क्या होगी, वो एक्स अपॉन वाई होगी। ठीक है ना, क्यों, एक्स न्यूमिनेटर है, वाई क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो चलिए नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कहता है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। तो देखिए ये है हमारे पास फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई। कहता है जब हम क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमिनेटर से, तो 1 को सब्ट्रैक्ट किया किससे, न्यूमिनेटर। ठीक है ना, तो माइनस 1 किया, उस वक्त हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी क्या बन जाएगी, वो 1/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, एंड आगे वो कह रहा है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर। जब हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 8 को ऐड कर रहे हैं, तो मतलब ऊपर तो वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, जब इसको 8 इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हैं, उस वक्त हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी हो रही है, 1/4 हो रही है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से क्या बनेगी, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई इंटू 1 करेंगे क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज 3 इंटू एक्स करेंगे क्या होगा, 3x माइनस 3 इंटू 1 करेंगे क्या होगा, 3 इज इक्वल टू वाई, विच इम्प्लाइज 3x, ये वाई है प्लस का इधर रखेगा हो जाएगा माइनस का वाई, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये रही हमारे प्लस कौन सी, फर्स्ट। ठीक है, एंड अब इसको करते हैं। ठीक है ना, 4 इंटू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 8, 1 इंटू वाई प्लस 8। तो करें इसको क्या होगा, 4x इज इक्वल टू वाई इंटू 1 करेंगे वाई, प्लस 8 इंटू 1 करें 8। ठीक है, विच इम्प्लाइज 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये रही हमारे पास कौन सी, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का वाई इधर रखे का जगह प्लस का वाई, और ये माइनस का 3 इधर रखे का जगह प्लस का 3, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन 3 हो जाएगा। ये रही हमारे पास कौन सी, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, थर्ड को पुट करेंगे किस में, सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड क्या है हमारे पास, वो है 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है, वाई प्लस 3 अपॉन 3 माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 इंटू वाई करें क्या होता है, 4 वाई होगा, प्लस 4 इंटू 3 करें कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अपॉन 3 माइनस वाई, देखिए ये माइनस 8 है इधर ले आएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, जिसके नीचे क्वेश्चन है उसके नीचे 1 मानना है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है, तो 4y इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 4y होगा, प्लस 12 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, माइनस 3 इंटू वाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है ना, अपान क्या होगा, 3, और जब ये अपान 3 होगा तो इस 3 को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकलेगा विच इम्प्लाइज 4y, देखिए यहाँ पर, यहाँ पे हम देखें
फोर वाई माइनस थ्री वाई कितना हो गया y, ठीक, इज इक्वल टू एट थ्री से कितना हो गया 24, और ये प्लस का 12 है, इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 24 माइनस 12 करें कितना होता है 12 होता है, ठीक है ना, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y कितना हमारे पास 12 प्लस 3 अपॉन 3 तो 15 अपॉन 3, 3 वन सा 3 फाइव सा 15 इज इक्वल टू 5, ठीक है, देयरफॉर फ्रैक्शन हमारे पास क्या थी x अपॉन y थी इज इक्वल टू x हमारे पास कितना निकला है 5 और y हमारे पास कितना निकला अभी 12, ठीक है, 5 अपॉन 12, ठीक है ना, तो इस तरह से वो हमारे पास कौन सा इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना, 5 अपॉन 12 हमारे पास क्या हुई है फ्रैक्शन, ठीक है ना, तो न्यूमिनेटर हमारे पास क्या हुआ 5 और डिनोमिनेटर हमारे पास कितना हुआ 12 हुआ, ठीक है ना, तो इस तरह से हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट।